गोरखा हित सर्वोपरि। भारतीय सेना के गौरवशाली गोरखा राइफल्स के बारे में एक खबर बीते दिनों देखने को मिली, जब राष्ट्रपति भवन में तैनात आर्मी गार्ड बटालियन का बीते शनिवार को औपचारिक रूप से बदलाव किया गया था। आर्मी गार्ड बटालियन के तौर पर 3.5 साल का अपना गौरवशाली और शानदार कार्यकाल पूरा करने वाले गोरखा राइफल्स बटालियन की जगह अब सिख रेजिमेंट के बटालियन को यह जिम्मेदारी दी गई है। इस कार्यक्रम के दौरान राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद भी मुख्य रूप से मौजूद रहे। वर्ष 2017 से धूप हो या बरसात, सीनातान राष्ट्रपति भवन में अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करने वाले यहां तैनात फर्स्ट गोरखा राइफल्स की 5वीं बटालियन 5th बटालियन ऑफ द फर्स्ट गोरखा राइफल्स ने आर्मी गार्ड बटालियन के तौर पर अपना 3.5 साल का कार्यकाल पूरा कर लिया था। अब यह जिम्मेदारी सिख रेजिमेंट के 6th बटालियन 6th बटालियन ऑफ द सिख रेजिमेंट को सौंपा गया है। वर्ष 2014 तक बटालियन के बदलाव का यह इवेंट सार्वजनिक तौर पर नहीं किया जाता था। President of India, Shri Ram Nath Kovind.
भारत के राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद अब परेड का निरीक्षण करेंगे। निशान को ही कमांडर From your left, Colonel Veeraj Vyas, Commanding Officer, 5th Battalion, the 1st Squadron Rifles. From your right, Colonel Stalin Kumar Mohanty, Commanding Officer, 6th Battalion, the Sikh Regiment.